नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसे नाश्ते के बारे में, यदि आप इसको मॉर्निंग टाइम में करते हैं तो आपके बाल लंबे होंगे, काले होंगे, घने होंगे, आपके होंठों पर अपने आप लाल कलर आने लगेगा, आपके चेहरे पर एक ऐसी ग्लो दिखेगी, वो भी कुछ ही दिनों में। मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसे नाश्ते के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दो और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। फ्रेंड्स क्या आपको पता है, सुबह टाइम जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पीते हैं, वह सारा दिन आपकी बॉडी पे सूट करता है, आपके चेहरे को सूट करता है, आपके बालों को सूट करता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारी यह है, मॉर्निंग टाइम में ज़्यादातर हम तला हुआ ही खाना खाते हैं या फिर हम मीठा ही खाते हैं, जो कि स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे आपके चेहरे पर पिंपल्स दिखने लगते हैं और आपकी स्किन से ग्लो खत्म हो जाती है। ज़्यादातर हमारे घरों में मसालेदार खाना बनाया जाता है, जो कि मसालेदार खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। मसालेदार खाना जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही नुकसानदायक भी होता है। इसलिए फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा मॉर्निंग टाइम में आपको नाश्ते में क्या खाना चाहिए ताकि आपके बाल, होंठ, चेहरा बेहद खूबसूरत नज़र आने लगे, वो भी कुछ ही दिनों में। और फ्रेंड इस बात को भी समझ लेना, जब भी आपके बाल ज़्यादा झड़ने लगें, आपके चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगे, आपके होंठों पर एक काला पंसा दिखने लगे, तो यकीन करना आपको केमिकल से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं उनको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर देना, नहीं तो आगे चल के आपको और भी ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, नाश्ते में सिर्फ आपको तीन चीज़ें ही शामिल करनी है। सबसे पहली चीज़ अनार के दाने। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत सारे अनार के दाने खाने हैं, जी नहीं, मैं आपको मात्रा बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 छोटी चम्मच अनार के दानों को लेना है। अनार से आपकी स्किन में कोलेजन बढ़ता है, आपकी स्किन की लचक बढ़ती है और स्किन टाइट होती है। अनार में बहुत अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि आपकी स्किन को फ्री रेडिकल से बचाता है, इसलिए अनार के दाने आपको जरूर सुबह टाइम लेने चाहिए। अनार के दानों से आपके चेहरे पर एक लालिमा आएगी, आपके होंठों का कलर लाल होने लगेगा। जो आपको दूसरी चीज शामिल करनी है उससे आपके ब्लैक ब्लैक होंठ हैं या फिर होंठों पर जो धीमी सी पपड़ी जम जाती है उसको साफ करने में यह चीज बहुत ही उपयोगी होती है। कई बार स्मोक करने से, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से, केमिकल यूज़ करने से होंठ काले पड़ जाते हैं। कई लोगों को दिन भर अपने होंठों पर जीव फेरते हैं, इससे भी आपके होंठों का कलर काला होने लगता है। तो ये छोटी सी गलतियाँ जो कि हमें ध्यान में देनी चाहिए। आपको लाल कलर का पपीता लेना है, उसके छोटे छोटे से पीस काट लीजिए, छोटी सी कटोरी से आपको छोटे पीस काट के उसको भर लेना है, बस थोड़े से पीस चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। पका हुआ पपीता बहुत ही अच्छा होता है। पपीते में मौजूद एंजाइम एक मजबूत एक्सफोलिएटर के रूप में काम करता है, जो आपकी फेस की स्किन पर मृत कोशिका यानी कि डेड स्किन्स, दाग धब्बे को हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। और पपीते के टुकड़ों को आपको अपने होंठों पर थोड़ा सा मलना चाहिए ताकि स्किन पर जो पपड़ी जम जाती है, कालापन आ जाता है, वो साफ हो जाता है। तो आपको थोड़े से पपीते के छोटे छोटे पीस जरूर लेना है। तीसरी यानी कि लास्ट चीज़ है अंगूर। अंगूर जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि अंगूर में विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है। विटामिन ई बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपके बाल सिल्की होंगे, आपके बालों में चमक आएगी, आपके बालों की ग्रोथ भी होगी। कई लोग अंगूर के ऑयल से अपने बालों में मसाज करते हैं क्योंकि उनके बाल हमेशा मजबूत रहते हैं, उनके बाल हमेशा चमकदार रहते हैं। इसलिए आपको थोड़े से अंगूर, बहुत से बहुत 10 या 12 अंगूरों को तोड़ लेना है। उन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको फिर छोटी सी चम्मच से इनको मिक्स कर लेना और फिर आपको खाना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो आप खाएंगे वो आपकी बॉडी, स्किन और आपके बाल, आपके चेहरे सब जगह इसको सूट करेगा। केमिकल से बना हुआ कोई सा भी पदार्थ, कोई सी भी चीज़, चाय कॉफ़ी आपको सुबह टाइम नहीं खानी चाहिए। नाश्ता आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों का करना है जो मैंने आपको बताया। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके बाल, आपके चेहरा,
आपके होंठ बेहद खूबसूरत नजर आने लगे हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। थैंक यू सो मच।